अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक लेस डिज़ाइन जिसके लिए मैंने यहाँ पर हॉबी इंडिया का क्रोशो थ्रेड लिया है और नीडल ली है 7 नंबर 0.95 mm की। हम ये लेस डिज़ाइन दुपट्टे पर बना रहे हैं। आप सेम डिज़ाइन ड्रेस के दामन पर स्लीव्स पर बना सकते हैं। सबसे पहले आपने स्लिप नट लेना है, फिंगर पर धागा फोल्ड करके आपने इस तरीके से स्लिप नट ले लेना है और फ्रंट साइड से आपने स्टार्ट करना है। अगर आप दुपट्टे पर बना रहे हैं, स्लीव्स पर बना रहे हैं, फ्रंट साइड से आपने इस तरीके से सिंगल क्रोशो बना लेना है फर्स्ट। अब 3 चैन लेंगे हम, 1 2 3, 3 चैन लेकर थोड़े गैप पर सिंगल क्रोशो बनाएंगे अगेन, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर थोड़े गैप पर सिंगल क्रोशो बनाएंगे। 2 बार इस तरीके से बनाने के बाद हमें लेनी है 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 and 7। 7 चैन लेने के बाद टर्न ले लेंगे हम और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशो जो हमने स्टार्ट में लिया था उस फर्स्ट सिंगल क्रोशो में हम सिंगल क्रोशो बना लेंगे इस तरीके से। देन हम फ्रंट में आ जाएंगे और ये जो 7 चैन हमने यहाँ पर ली है उसके गैप में हमें सिंगल क्रोशो बनाना है, 1 2 3 and 4। 4 टाइम्स हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशो बना लिया। अब हम लेंगे 3 चैन, 1 2 and 3। 3 चैन लेने के बाद ये जो लास्ट वाला फोर्थ वाला जो डबल क्रोशो है इसके 2 धागों में हमें नीडल डालनी है और यहाँ पर हमें इस तरीके से पिकॉट बना लेना है। अगेन सेम गैप में हम 4 टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे, 1 2 3 and 4 इस तरीके से। अब ये राउंड हमारा बन के रेडी हो गया। अब आपने बराबर ये जो सिंगल क्रोशो है इसके बाजू में हमें एक और सिंगल क्रोशो बना लेना है इस तरीके से। अब ये बनाने के बाद हम लेंगे फिर 3 चैन, फिर हम लेंगे 3 चैन 2 टाइम्स जैसे हमने स्टार्ट में लिया, ये 1 and again 3 chain and this 2। फिर लेंगे हम 7 चैन, फिर यहाँ पर ये दोनों गैप का जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशो है इसमें हमें सिंगल क्रोशो बनाना है पहले और फ्रंट में आ जाएंगे। फिर हम सेम गैप में 1 2 3 4 4 टाइम सिंगल क्रोशो ले लेंगे, फिर लेंगे हम 3 चैन, 1 2 3, और ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशो है इसमें हम अगेन सिंगल क्रोशो बनाकर यहाँ पर पिकॉट कंप्लीट करेंगे और फिर हम 1 2 3 and 4 times सिंगल क्रोशो बना लेंगे इस तरीके से। फिर ये जो लास्ट सिंगल क्रोशो है हमारा इसके बाजू में हम बराबर सिंगल क्रोशो बनाएंगे अगेन, देन लेंगे हम 3 चैन, फिर थोड़े गैप पर सिंगल क्रोशो बनेगा, देन 3 चैन, फिर थोड़े गैप पर सिंगल क्रोशो बनाएंगे और फिर हम लेंगे 7 चैन। 7 चैन लेकर ये जो सिंगल क्रोशो है इसमें हमें सिंगल क्रोशो बनाना है, फिर फ्रंट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम पहले 4 टाइम्स, 1 2 3 4 इस तरीके से 4 टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे और ये जो लास्ट वाला है सिंगल क्रोशो इसमें हम क्रॉस में सिंगल क्रोशो बनाएंगे। अगेन हम 4 टाइम्स सिंगल क्रोशो बनाएंगे, और फिर इसके बाजू में बराबर सिंगल क्रोशो बना लेंगे और ऐसे ही हम जितनी आपको लेंथ चाहिए ऐसे ही आप कंटिन्यू बनाते जाओगे। मैं आपको इसकी थोड़ी लेंथ बनाकर इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज, ये है इसका फाइनल लुक। ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है।
आप इसे दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर बना सकते हैं, साड़ी की बॉर्डर पर, ब्लाउज़ के नेक पर या बैक नेक पर बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी ये। और यहाँ पर पिकॉट की जगह पर आप बीड्स भी लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।